आकाशिक रिकॉर्ड्स इसमें और क्या, इट्स मेड अप ऑफ ईथर एनर्जी. अगर मैं बोलूं कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, वो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है. एंड जो दिखता नहीं है वो सब एटॉमिक ईथर है. इट्स फॉर्म, उसका जो साइंटिफिक नेम है, इट्स अ ईथर एनर्जी, राइट. एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स आर लाइक एन एनर्जेटिक लॉग. जैसे गूगल सर्च करते हो आप कि मुझे यहाँ से उधर जाना है, तो मैं कोई भी गूगल में डालते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज पिज्जा खाना है, तो मैं कहाँ देखूँ, जोमेटो में जाऊँ या फूड पैंडा में जाऊँ, वो जो भी आप डालते हो वो आपको आंसर मिल जाता है. वैसे ही आकाशिक रिकॉर्ड में जो भी आप सर्च में डालोगे, सर्च वाले थिंग में, मेरा रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्यों है, उसका आंसर आएगा. मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका आंसर आएगा. सो इट्स लाइक अ गूगल सर्च फॉर यू इन अ वेरी सिंपल लोकल लैंग्वेज में मैं बोलूंगी, ठीक है. दैट्स एन एनर्जेटिक लॉ. उसको आप ऐसे, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस ना, तो वो ऐसे बॉटल की तरह आपको दिखेगा नहीं. तो उसका जो मैटर है वो अलग है, उसको हम महसूस कर सकते हैं थ्रू आर इंट्यूशन. जब हम आंखें बंद करके कनेक्ट करते हैं तभी वो दिखता है. हाँ, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जैसे जैसे हम ड्राइव करते हैं, पहले ड्राइव करते समय कितना हमें टेंशन होता है, ओहो मैं स्टीयरिंग संभालूं, मैं राइट देखूं, मैं लेफ्ट देखूं, मैं पीछे देखूं, मैं एक्सेलरेटर दबाऊं, ब्रेक दबाऊं या क्लच, पहले का होता है ये सब. बट ड्यूरिंग द जर्नी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे इस चीज को, तो आकाशिक रिकॉर्ड अपने आप आपको दिख जाता है. इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतना हवा बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपका खुद का रिकॉर्ड है. बेशक किसी और का भी दिखता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी आप आंखें बंद करके आप कनेक्ट करते हो, आपका इंट्यूशन लेवल आप बार बार बहुत ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हो. यू आर इन अ वेरी हाई वाइब्रेशनल मोड. तो वो आप दिन में कितनी बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका स्टेट तो वही हो गया ना. आपको बार बार इंट्यूशन के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. कोई फोन आएगा तो आपको पहले ही पता हो जाएगा, अच्छा आने वाला है. सो दिस काइंड ऑफ इंट्यूशन यू विल डेवलप वेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग आकाशिक रिकॉर्ड, राइट. एंड इसमें एंड इन इट आर रिकॉर्ड्स आर एवरीथिंग दैट हैज एवर एग्जिस्टेड टेकन प्लेस ह्यूमन लाइफ टाइम्स, बट ऑल्सो द रिकॉर्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सल इवेंट्स. मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स का ही देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो सारे लिविंग बींग्स का होता है. जरूरी नहीं है कि हम इंसान है तो हमने बड़ा डिग्री लिया हुआ है, सिर्फ हमारा ही दिखेगा. सॉरी, ये सब प्राइड मत रखना अपने ऊपर. किसी कैट का भी दिख सकता है, किसी कीड़े का भी दिख सकता है, किसी का भी दिख सकता है, राइट. एंड वी कैन सी अवर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर. बट यस, फ्यूचर के लिए एक बात बता दूं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो मेरे पास जब कोई फ्यूचर के लिए आता है, प्लस आई एम अ हीलर, सो व्हाट आई नॉर्मली गाइड इज यू हैव टू क्रिएट योर फ्यूचर. ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये बता दूं आपको जो है जॉब मिल जाएगा तो मिल ही गया, उसके लिए आपको अपना सीवी तो देना पड़ेगा, एफर्ट तो करनी पड़ेगी तभी तो मिलेगा. तो वो एफर्ट मिलेगा तभी फ्यूचर आपका बनेगा, ठीक है. एंड ओरिजिन ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, कहने के लिए हमने लिखा है 5000 साल पुराना है, बट ये सब ऐसा है कि जब से यू कैन से श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो हमें पता भी नहीं था कृष्ण जी का हुआ. सो दीज आर लाइक, जब से सोल की जर्नी हुई है यहाँ पे, तब से रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है. एंड इन बाइबल इट इज कॉल्ड बुक ऑफ लाइफ, राइट. इन हिंदू मैथोलॉजी हम लोग बिलीव करते हैं चित्रगुप्त जो है वो हमारे सारे कर्म का रिकॉर्ड रखते हैं.
And what are Akashic records? These records are hidden library which contains information about all the souls during their earthly journey. These records are held in space or astral plane. ये सब मैंने पहले ही बोल दिया था. Past, present and future it will cover all your events, anything, whichever thing. अभी भी जो भी हम क्लास ले रहे हैं, it is also being recorded in the Akashic records. Now, it is a universal library which records the causes and effect of event. What do you mean by cause and effect? For example, अगर अभी मैं मेरे को जो सामने का नाम दिख रहा है चारू गोयल, okay? Supposing मैं चारू गोयल जी को गुस्सा करूं, right? गुस्सा कर दिया. अब गुस्सा इज अ कॉज, है ना? इफेक्ट क्या होगा उसका? हो सकता है चारू जी वापस मुझ पर गुस्सा करे, या शायद वो जो ये व्हाट डू यू कॉल दैट कोर्स छोड़ के चले जाए. यू नो दीज आर द इफेक्ट. सो हम जिस हिसाब से पेश आते हैं उसका कॉज और इफेक्ट इज वी आर क्रिएटिंग दैट इवेंट, वो भी रिकॉर्ड होता है. सो व्हेन यू रीड योर ओन रिकॉर्ड और द रिकॉर्ड्स ऑफ समवन, यू आर कनेक्टिंग विद द सोल ऑफ अ पर्सन. आई वुड रिकमेंड यू हाईली दैट व्हेनेवर वी गो एंड वी ओपन, या हम किसी का भी नाम लेते हैं, तो प्लीज उनको जो है एक सोल की तरह ट्रीट करना. बिकॉज वो एक जैसे यहाँ पे सारे ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं हमारे भूमि में, अर्थ में, वैसे आकाशिक फील्ड में सारे सोल्स रहते हैं. तो वो आपको कनेक्ट करने के लिए आसान हो जाएगा, रादर देन यू नो वी आर यूज टू थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग. सोल करके सोचने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यस प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है. Because it's a very sacred space. जैसे हम मंदिर में जाने के लिए पहले क्या करते हैं, नहा के आना है, खाना नहीं खाना है, ऐसे सब नियम होता है ना, वैसे ही हम आकाशिक फील्ड में जाने से पहले थोड़े बहुत ये सब नियम होता है. One that is deeply personal, आपका personal record है ये, जो हर किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है. It's up to you. And it's very private, and that spans all the lifetimes of a particular soul. एक soul का पूरा library होता है, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितने जन्म दिए. We really don't know. Anyone and everyone has access to them, and they are very simple to open. बहुत सारे लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई यूट्यूब प्लीज अभी मत खोलना जब तक ये क्लास नहीं होती है, क्योंकि वेस्टर्नाइज्ड सिस्टम बहुत है इसमें. एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड, एंड एवरीबडी विल टीच यू डिफरेंट डिफरेंट थिंग. ओके, क्या कुछ डिस्टर्ब हुआ है क्या? कैन यू ऑल सी द पीपीटी? नो 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 मैम, इट डिसअपीयर्ड जस्ट नाउ. सर होस्ट बना दीजिए. सर मेरा होस्ट जो है निकाल दिया आपने. थैंक यू. तो आकाशिक रिकॉर्ड इतना बड़ा उसको दिमाग में मत रखना कि इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस. व्हाई? अब हमारा बुक देख रहे हैं ना, तो हमारा बुक तो इतना आसान होगा. सो एवरीवन कैन एक्सेस आकाशिक रिकॉर्ड.
When you work with the Akashic record, you are looking at bird's eye. Bird's eye means बिल्कुल जैसे वो अर्जुन की तरह, अर्जुन ने सिर्फ वो पंछी मछली का आंख देखा था ना वैसे. बिफोर गोइंग इन टू आकाशिक फील्ड, क्या चाहिए हमें, आपको क्या देखना है, क्या सवाल करना है, वो क्लियर होना चाहिए. अगर वो क्लियर नहीं है तो आपकी जर्नी है वो इट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल जर्नी. इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन द होल यू नो योर होल ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर टू आकाशिक रिकॉर्ड, या तो आप घूम घाम के जैसे पार्क में घूम घाम के आते हो वैसे घूम के आ सकते हो, बट आपको आंसर नहीं मिलेगा इफ यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट, इफ यू आर इन अ डाउटफुल स्टेट कि हाय मैं ये कैसे करूं, क्यों करूं, किस लिए करूं. इतने सारे डाउट्स होते हैं, इतने सारे फियर होता है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड जो है आपका इधर से उधर ट्रैवलिंग इट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल थिंग. ठीक है, सो यू हैव टू फर्स्ट, आपके माइंड में इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए. कोई भी मोडालिटी हो, हीलिंग मोडालिटी, योर इंटेंशन शुड बी क्लियर टू गेट द रिजल्ट. इट्स नॉट ओनली आकाशिक, कोई भी मोडालिटी करो, आपका जो इंटेंशन है बिल्कुल फिक्स कर लो, आपको रिजल्ट तुरंत आ जाएगा. आपको एक सिचुएशन में जाना है या एक कलेक्टिव कुछ इवेंट देखना है, वो सब सबका पर्सनल होता है ना, ये सबके क्वेश्चंस पर्सनल होते हैं. सो इट्स लाइक योर ओन पर्सनल लाइब्रेरी वेयर ऑल द इंडिविजुअल बुक्स आर डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक लाइफ टाइम्स. जैसे अगर आप लोग कभी लाइब्रेरी गए हो तो हमें लाइब्रेरी में क्या बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बट आकाशिक रिकॉर्ड इज योर ओन पर्सनल लाइब्रेरी जहां पे आप सिर्फ आपका बुक ढूंढ रहे हो. सो उसमें हाँ हम भूल गए हैं क्योंकि हमारा जो इतने लाइफ टाइम का वो भूल चुके हैं जैसे हमने जन्म लिया, बट वो सब वो रिकॉर्ड है. तो इफ यू आर क्लियर वी विल ओनली पिक दैट बुक, अगर डाउट ना करे तो. सो वेन यू ओपन द रिकॉर्ड, जब आप कोई क्वेश्चन पुट करोगे जाने से पहले, आई विल टेल यू द होल प्रोसेस, मैं लेके जाऊंगी आपको. क्या होता है व्हेन यू ओपन द बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबका बुक अलग है, कोई बुक बुक की तरह देखता भी नहीं है, वो उनका एक्सपीरियंस है. नॉट नेसेसरी कि सब जो है ऐसे भारी बुक ही देखे, कोई पतला बुक भी देख सकता है, या कोई किसी को बुक दिखाई भी नहीं दे सकता है क्योंकि उनका आकाशिक रिकॉर्ड किसी और तरीके से है, या अभी टाइम है उस बुक के पास जाने. यू मे विजुअलाइज कलर्स, यू मे विजुअलाइज सम क्लू लाइक ए मूवी की तरह चल सकता है, यू मे विजुअलाइज कोई एंजल आके आपके पास बैठ सकता है, कोई जिसको भी आप गुरु मानते हो वो आके बैठ सकता है. यू मे विजुअलाइज मेनी थिंग्स, ऊपर जाके एक्सपीरियंस इज टोटली डिफरेंट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड्स, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इफ यू आर क्लियर योर विजुअलाइजेशन विल बी क्लियर, यू विल मीट मेनी पीपल, यू विल हैव अ गाला टाइम देयर. Right, you will have a good time there. अगर हम इधर से जाते ही डर से जा रहे हैं, it's like, you know, जब किसी के घर जा रहे हो तो हम पहले ही सोच ले हाय वो ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, मैं क्या बोलूंगी, फिर मैं ऐसे जवाब दूंगी उसको, फिर वो वैसा जवाब देगा, ऑल दीज थिंग्स हम अपने आप ही सोच लेते हैं ना. तो अगर हम इतना ना सोचे जब हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है. क्यों? क्योंकि फिर हम प्लेजेंट चीजें महसूस कर सकते हैं, लाइक कोई अच्छा सा गाना, कोई मंत्र उच्चारण, कोई म्यूजिक, कोई कलर्स, कोई सिंबल्स, या यू नो कोई और एंजल, या कोई भगवान जिसको हम मानते हैं, या कोई गुरु जिसको हम मानते हैं, या कभी कोई वाटरफॉल इतना ब्यूटीफुल सा, या कोई फ्लावर, या कोई
अच्छे से फूल का परफ्यूम, ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो इस धरती पे ही नहीं उगते वो उधर उगता है, ऐसे फ्लावर्स, ऐसे कलर्स जो हमने देखे ही ना, यू नो देयर आर मेनी 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 टाइप्स ऑफ प्लेजेंट थिंग्स विच वी कैन सी, एंड दिस कैन ओनली बी एक्सपीरियंस व्हेन आवर इंटेंशन इज क्लियर एंड वी आर नॉट डाउटिंग आवर जर्नी. Often I see random objects symbolize something, कोई metaphor दिख सकता है, I mean कुछ भी दिख सकता है आपको उधर. अगर उस time समझ में ना आए, इसीलिए मैंने बोला book रख लेना अपने पास, copy रख लेना, क्योंकि क्या होता है ये जो experiences है ये consciously हम record नहीं कर रहे, ये हमारे subconscious mind में जा रहा है recording करते हुए, right? हो सकता है जैसे ही आप आओ, कभी कभार होता है ना हम सपना देखते हैं पर सुबह आके खोलते ही हम भूल जाते हैं हमने सपना क्या देखा, तो इट विल बी लाइक अ ड्रीम. तो इसीलिए इट्स बेटर आप पेपर और पेन रखो अपने पास और अपने एक्सपीरियंसेस इमीडिएटली नोट कर लो, मैंने ये देखा था, मैंने यू नो ये आंसर पूछा और मेरे को ये क्वेश्चन पूछा और मुझे ये आंसर मिला, अच्छा मेरी ऐसे ऐसे हीलिंग हुई, अच्छा मैंने ये वाले एंजल देखा या मुझे पता नहीं कौन था वो, बट मैंने ऐसे देखा, ऐसे राउंड सा शेप से कुछ देखा मैंने, यू नो बिकॉज थिंग्स विल नॉट बी वेरी क्लियर ऑल्सो, तो उसको आपको समझाना आएगा नहीं या लिखना आएगा नहीं, क्योंकि नॉट नेसेसरी ना हमें जो समझ में आए वही दिखे वहां पे, क्योंकि वहां की दुनिया अलग है, हम तो यहाँ अर्थ में है ना, यहाँ की दुनिया अलग है, तो वहां के दुनिया के हिसाब से आपको चीजें दिखेंगी.